मोक्षदायिनी गंगा के किनारे स्थित अर्धचंद्राकार घाटों की मनोहर छवि को निहारने काशी आने वाले दुनिया भर के पर्यटकों के लिए अब खिड़किया घाट एक नया केंद्र होगा। वाराणसी के नक्शे में जुड़ रहा ये नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा। वाराणसी के 84 घाटों में से एक खिड़किया घाट के निर्माण कार्य और सौंदर्यकरण का काम अपने अंतिम चरण में है। 11.5 एकड़ में बन रहे इस घाट पर हो रहे जीर्णोद्धार कार्य की लागत करीब 35.83 करोड़ है। बता दें कि खिड़किया घाट पर देश विदेश के पर्यटकों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये टूरिस्ट प्लेस करोड़ों की लागत से तैयार हो रहा है। इस घाट को 5 तरीके के ट्रांसपोर्ट से जोड़ने की तैयारी भी चल रही है। इसमें जल, थल और नभ शामिल है। यहाँ कुछ ऐसे स्पेस भी छोड़े गए हैं जहाँ हेलीकॉप्टर से भी उतरने की व्यवस्था भविष्य में हो सकती है। खिड़किया घाट की लागत 35 करोड़ रुपए है, जो राजघाट से खिड़किया घाट तक है। इसके बाद दूसरे फेज में खिड़किया घाट से आदि केशव घाट तक होगा, जिसका बजट 50 करोड़ है। इसमें 2 हेलीपैड भी बनेंगे। इसमें ओपन एयर थिएटर, फूड प्लाजा, बच्चों के लिए एक्टिविटीज है, सेल्फी प्वाइंट है। पर्यटकों का रुझान इससे यहाँ काफी देखने को मिलेगा। यहाँ जो गेबन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, ये हिंदुस्तान में पहली बार हो रही है। इसके तहत जाल के अंदर बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं, इससे गंगा का पानी रोका जाता है। वाराणसी के अन्य सभी घाटों में खिड़किया घाट की लोकप्रियता कुछ ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसे भी ये सबसे बड़ा घाट है। यहाँ पार्किंग की सुविधा ज्यादा है, 50 फोर व्हीलर पार्किंग और 100 टू व्हीलर पार्किंग की व्यवस्था है। 80 और दशाश्वमेध घाट पर पर्यटक अधिक आते हैं, लेकिन सभी घाटों पर आसानी से वाहन नहीं पहुंच पाते, इसलिए खिड़किया घाट का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जो पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं के साथ लैस होगा। मसलन पर्यटक यहाँ के काशी विश्वनाथ मंदिर का टिकट ले सकते हैं। वाटर स्पोर्ट, लाइब्रेरी, मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज की भी सुविधा होगी। यहाँ नौका विहार करते हुए घाटों का सौंदर्य भी निहारा जा सकेगा। फूड प्लाजा, आरओ प्लांट, हैंडीक्राफ्ट मार्केट भी होगा। 1.6 एकड़ में एक बहुउद्देशीय प्लेटफॉर्म बन रहा है, जिस पर एक साथ 2 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। भविष्य में खिड़किया घाट पर ही दूसरे पर्यटक स्थलों की टिकट व्यवस्था और रेलवे टिकटिंग की व्यवस्था भी होगी। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए CNG स्टेशन भी खिड़किया घाट पर बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।